अब थोड़े से डायग्राम में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर की शक्ल कैसी होती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त रुफुज अहमद भट्ट। फिर से स्वागत है सभी को इलेक्ट्रिशियन की दुनिया में। फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं, फिर से कुछ नया सीखेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखना। आपने तो इन्वर्टर देखा ही होगा, जब हमारी पावर सप्लाई कट हो जाती है उसके बाद हम यूज करते हैं इन्वर्टर का। इन इन्वर्टर की शक्ल मुख्तलिफ होती है, लेकिन काम एक ही होता है कि डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, यानी 12 वोल्ट की जो बैटरी उसमें लगी रहती है इसको कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट सप्लाई में। अब थोड़े से डायग्राम में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर की शक्ल कैसी होती है। अब दोस्तों, आपने ये इन्वर्टर देखा होगा, इन्वर्टर हम घरों में, हॉस्पिटल में, शॉप पे, कारखानों में और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हम इन इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन बड़े बड़े इन्वर्टर का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आज मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा मिनी इन्वर्टर सिखाऊंगा, एक मिनी इन्वर्टर हम कैसे बनाएंगे। उस इन्वर्टर का कॉस्ट मैक्सिमम 50 रुपए तक आएगा। कुछ कंपोनेंट्स आपको बाजार से लाने हैं और जो मैं डायग्राम आपको सिखाऊंगा उस डायग्राम को नजर रखते हुए आपको भी एक सर्किट बनाना है और आप बना सकते हो एक मिनी इन्वर्टर, जिसको आप यूज कर सकते हो फोन चार्ज करने के लिए या इमरजेंसी लाइट ऑन करने के लिए। जब आपकी पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो आप इस इन्वर्टर का फायदा उठा सकते हो। पहले दोस्तों मैं आपको कंपोनेंट्स के नाम बताऊंगा, फिर उन कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, एक सर्किट तैयार करेंगे, फिर मैं आपको उसकी वर्किंग कंडीशन दिखाऊंगा, एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। कंपोनेंट्स के नाम: 1212 ट्रांसफार्मर, IRF3205 ट्रांजिस्टर, IRF3205 ट्रांजिस्टर, 10K रेजिस्टेंस, 10K रेजिस्टेंस, R का मतलब ओम, 220 ओम रेजिस्टेंस। ये जो डायोड है हमारे पास, इसका नेगेटिव साइड ये है और पॉजिटिव साइड ये, इस डायोड का पॉजिटिव साइड ये और नेगेटिव साइड ये। अब दोस्तों कनेक्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो डायोड हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, ये D1 है, ये D2 है, यानी D1 का जो कनेक्शन है वो यहाँ से निकलते हुए D1 के नेगेटिव में जाएगा और फिर यहाँ से निकलते हुए IRF3205 की पहली वाली जो पिन है वहां जाएगा। इसी तरह इसकी जो दूसरी पिन है ये इसके साथ कनेक्ट होगा, पहले वाली पिन के साथ, लेकिन बीच में D2 डायोड आएगा। देखिए यहां से निकलते हुए कनेक्शन यहां जाता है, यहां 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 यहां, और फिर यहां से निकलते हुए भी IRF3205 की जो पहली वाली पिन है उसके साथ ज्वाइन होता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये D1 आपको इस तरह रखना है और D2 इस तरह रखना है। IRF3205 जो इनकी थर्ड वाली पिन है उनको आपस में शार्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10K रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी 10K रेजिस्टेंस है। अब ये जो दो टर्मिनल है, एक तो ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, इसको हम आपस में शार्ट करेंगे लेकिन बीच में रखेंगे 10K रेजिस्टेंस। देखिए हमने इन दोनों को शॉर्ट किया, इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को आपस में शॉर्ट किया, लेकिन बीच में क्या रखा, 10K रेजिस्टेंस। यहां पर भी 10K रेजिस्टेंस है, इसको भी ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, यहां पर भी शॉर्ट हो गया है ना। अब यहां पे हमने दो रेजिस्टेंस रखी है, एक तो यहां पे 220R है और एक यहां पे 220R है। ये जो ऊपर वाला साइड है इनको भी हम शॉर्ट करेंगे। अब यहां से एक कनेक्शन निकलेगा और यहां से एक कनेक्शन निकलेगा, ये वाला कनेक्शन है इसको हम यहां पर कनेक्ट करेंगे इस ब्लू लाइन के साथ, ये दूसरा है इसको हम रेड वाले के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको हमने रेड के साथ कनेक्ट किया और इसको हमने ब्लू के साथ कनेक्ट किया। हमारे पास दो डायोड हैं, एक तो है D1 और एक D2। ये जो D2 है इसका नेगेटिव यहां से है ना, ये जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना। इसका जो कनेक्शन हम लगाएंगे ये इस वाले के साथ ज्वाइन होगा, ये वाला कनेक्शन हमें यहां रखा, ठीक है। इसका जो थर्ड टर्मिनल है, पहला वाला टर्मिनल हमने D2 के साथ रखा और जो थर्ड टर्मिनल है उसको हमने यहां से उठाया, यहां से और इस वाली बीच वाली साइड यानी IRF3205 का जो बीच वाला टर्मिनल है उसके साथ ज्वाइन हुआ। हमने क्या किया, ये जो D2 डायोड है इसको इसके साथ ज्वाइन किया और ये जो D1 डायोड है इसको इसके साथ ज्वाइन किया। जो बीच वाला टर्मिनल है ये वाला, इसको हमने बाहर निकाला और यहां से IRF3205 का जो इमिटर है उसको भी बाहर निकाला। IRF3205 जो इसकी ये वाली पिन है इसको हमने बाहर निकाला ये, और जो 12012 वोल्ट का ट्रांसफर है उसका जो बीच वाला टर्मिनल है उसको भी हमने बाहर निकाला है, ठीक है। इसको हम बाद में सप्लाई देंगे, पहले कंसेप्ट सीखेंगे। हमें तो यहाँ पे एक स्विच भी है, इसको भी कनेक्ट करना है। 220R जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, वहां से एक कनेक्शन निकलेगा, वो स्विच के इस साइड में जाएगा और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो यहां से निकलते हुए किसके साथ ज्वाइन होगा, यानी बीच वाली, यानी स्विच की जो वायरिंग है वो तो एक तो यहां से कनेक्ट होगा और दूसरा इसके साथ कनेक्ट होगा। अब दोस्तों इसका आउटपुट देखेंगे, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारे पास प्लग है ना उसी के साथ कनेक्ट करेंगे। हम 12 वोल्ट सप्लाई यहां पे देंगे, जब हम 12 वोल्ट सप्लाई यहां पे देंगे तो यहां पे हमें कितनी जनरेट हो जाएगी, 220 वोल्ट, वो भी देखते हैं।
हमने 12 वोल्ट इनपुट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें मिला कितना 220 वोल्ट एसी। ये वाली डीसी है और ये वाली एसी। इस स्विच का काम यहाँ पे दोस्तों ये है, जब हम बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उस टाइम ये स्विच हम ऑफ रखेंगे, जब बैटरी कनेक्ट हो गई तो हम ऑन ऑफ स्विच को ऑन रखेंगे, तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगी इस प्लग में, इसको हम यूज कर सकते फिर मुख्तलिफ जगहों पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।